मेरा नाम है शंकर, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लोन, जो यंग लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते उसके लिए ये लोन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इस लोन में आपको 35% तक आपको सब्सिडी मिल जाएंगी। इसके लिए आपको कैटेगरी होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा कम सब्सिडी आपको मिलेंगे। तो इस लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, इस लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसका सारा कुछ प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बस बेल आइकन उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, PMEGP लोन लेने के लिए आपको पहले इस पेज में आना है। इस पेज में आने के बाद नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पहला है चीज़ जो है, जो आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पर डालना है। तो आप आपके हिसाब से आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर आपका टाइटल चूज करना है, मिस्टर या मिसेस। तो आप यहाँ पर मिस्टर या मिसेस चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। आधार कार्ड के हिसाब नाम डालने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट आधार में आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपका आधार कार्ड के साथ जो भी नाम है वो यहाँ पर वैलिडेट हो जाएंगे, ठीक है। इस ऑप्शन में एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर स्पॉन्सरिंग एजेंसी, आपको सिलेक्ट एजेंसी में क्लिक करके आपको यहाँ पर DIC चूज करना है। DIC चूज करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट आएंगे। उस स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी DIC ऑफिस है, DRDA ऑफिस है, उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे, जिस ऑफिस से आपका लोन सैंक्शन होंगे। यहाँ पर उस पूरी ऑफिस का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी ऑफिस में जाके आपको वेरीफाई कराना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरीके से आपको देना है, ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, आप अच्छी तरीके से वो देख लीजिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो भी फॉर्मेट है आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट मंथ ईयर के मिडिल में आपको हाइफेन देना है। तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, तो इसके मिडिल में आपको यहाँ पर हाइफेन आपको दे देना है। हाइफेन जब भी आप दे दोगे आपका जो डेट ऑफ बर्थ से हिसाब से आपका जो एज है यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ जाएंगे, एज आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सोशल कैटेगरी में आपका कास्ट क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपका कास्ट ST SC OBC होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर आप फिजिकल हैंडीकैप, एक सर्विसमैन जो भी हो, अगर नहीं हो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पर आप 8 पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, 8 पास के नीचे हो, 10th 12th ग्रेजुएट जो भी हो, आप यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पूरी एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है जो भी आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पोस्टल पिन कोड है वो यहाँ पर डालना है। नीचे आपका यहाँ पर फोन नंबर आपको डालना है, जिस फोन नंबर आप यहाँ पर देना चाहते हो उस इसके हिसाब से फोन नंबर, और ऑल्टरनेटिव नंबर भी आप यहाँ पर वो डाल सकते हो फोन नंबर, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको एक मेल आईडी आपको डालना है, आप जो भी मेल यूज करते हो, आपके फोन में मेल है वही मेल आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। फोन नंबर, मेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर जरूर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपके यहाँ पर यूनिट लोकेशन में सिलेक्ट करना है, आप रूरल में रहते हो या अर्बन में, वो सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस में क्लिक करते आपके दोनों एड्रेस यहाँ पर ले लिया जाएगा। आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी में आप मैन्युफैक्चरिंग काम करते हो, सर्विस करते हो, ट्रेंडिंग करते हो, क्या करते हो, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे सर्विस देना है, सर्विस में सिलेक्ट करना है। सर्विस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो इस लिस्ट में से आप यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको ढूंढ के आप इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऊपर में सर्च भी बटन है, सर्च बटन में भी आप सर्च करके भी वो बिजनेस आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है, आपके बिजनेस के हिसाब, जो भी बिजनेस चालू करना चाहते हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आपके बिजनेस का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप अदर्स बटन में भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जो भी सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर और भी है ऑप्शन चूज करके देख के आप ऑप्शन चूज कर लो। ऑप्शन चूज करने के बाद ओके बटन में क्लिक कर दो, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है, EDP ट्रेनिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। EDP ट्रेनिंग आप अगर पहले से किए हो
तो आप दे सकते हो, नहीं तो इसको आपको छोड़ना है। आप भी देख सकते हो आधार, जब भी मैंने दिया यहाँ पर आधार ऑप्शन में आपको लिखने को यहाँ पर बोल रहा है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का किस टाइप का बिजनेस है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो बिजनेस का टाइटल, ठीक है, जो भी बिजनेस करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आप EDP ट्रेनिंग नहीं लिए हो तो इसको नो कर देना है, अगर लिए हो तो आपको यस करना है, उसका डिटेल्स देना है, अगर नहीं किए हो तो उसको नो कर देना है। EDP ट्रेनिंग इस लोन के लिए एक ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग आप लिए हो या नहीं लिए हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको डालना है, कैपिटल आपको डालना है, आपको वर्किंग कैपिटल, आपको कितना कैपिटल चाहिए, आप कितना लोन लेना चाहते हो आपको देना है, और आपके पास कितना वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पर डालना है। तो मुझे 5 लाख लोन यहाँ पर चाहिए, तो इसके लिए आपको कैपिटल, आपको आपको कितना चाहिए, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो टोटल यहाँ पर कुल मिला के आपको 5 लाख और अमाउंट यहाँ पर हो चुका है। और मेरे जो काम में कितने एम्प्लॉय लगेंगे, 2 एम्प्लॉय मुझे यहाँ पर लगेंगे, उसको भी यहाँ पर मैंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक आपको सिलेक्ट करना है, जो भी बैंक में आप लोन लेना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पर स्टेट बैंक सेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट बैंक IFSC कोड में क्लिक करके आप यहाँ पर IFSC कोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर पहले आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पर चूज करना है, उसके बाद IFSC कोड दे सकते हो या ब्रांच नेम दे सकते हो, देके आपको सर्च करना है, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ब्रांच, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्रांच है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो IFSC कोड वो सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, सिंपली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड सर्च बटन में क्लिक करने, देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सर्च बटन में क्लिक करते यहाँ पर ब्रांच आ चुका है। तो मुझे IFSC कोड यहाँ पर देके सर्च करना, IFSC कोड देके सर्च करते आप देख सकते हो यहाँ पर जो है डिटेल्स आ चुका है वही बैंक का, ठीक है, बैंक का डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पर और भी ऑल्टरनेटिव बैंक अगर देना चाहते हो तो यहाँ पर से वो दे सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ओएन टू एवेल CGSTM आपके पास अगर है तो यहाँ पर इसको यस कर दो, नहीं तो इसको नो कर दो। यहाँ पर व्हाट डिड यू हियर अबाउट PMEGP, इसके बारे में आपको कहाँ से सुनने को मिला इस लोन के बारे में, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, कहाँ से, वर्ड ऑफ माउथ, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एप्लीकेशन डाटा में क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल चुका है। यही एप्लीकेशन ID पासवर्ड आपको यहाँ पर नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यही एप्लीकेशन ID पासवर्ड से आपको इसको लॉगिन भी करना है। उसके बाद प्रोसीड बटन में सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, आपके नाम के साथ, आधार कार्ड के साथ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है, प्रोजेक्ट समरी आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 5 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है, ठीक है। आप PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में क्लिक करके पासपोर्ट साइज फोटो में आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके 1 MB के अंदर आपको जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपको वो यहाँ पर से अपलोड आपको कर देना है। तो आप यहाँ पर आपके जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आप यहाँ पर अपलोड वो कर दीजिए। चूज करने के बाद आपको सिंपली उसका फाइल का नाम लिख सकते हो, फोटो लिख के आपको अपलोड करना है। सक्सेसफुली डाटा भी अपलोड हो चुका है, ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। तो इसको आप राइट ऑफ क्रॉस ऑप्शन में क्लिक करके इसको क्रॉस कर दिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, व्यू का भी ऑप्शन है। प्रोजेक्ट समरी, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसका एक प्रोजेक्ट समरी आपको बनाना है, वही प्रोजेक्ट समरी आपको यहाँ से अपलोड करना है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट समरी के ऊपर आपका लोन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट समरी सिलेक्ट करने के बाद आप उसका नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। प्रोजेक्ट समरी डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड जो बटन है, अपलोड बटन में आपको क्लिक करना है। प्रोजेक्ट समरी PDF फॉर्मेट में वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप यहाँ से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही आप कोई भी नाम डाल के फाइल का यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक करके सभी जो फाइल है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड का ऑप्शन है, आधार कार्ड में क्लिक करके आपका आधार कार्ड जो भी है वो यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड यहाँ पर कर देते हैं। तो आधार कार्ड यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद लास्ट एक चीज़ है, वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। आप जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप किए हो उसके हिसाब से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड या सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरी चीज़ अपलोड यहाँ पर मेरा हो चुका है। उसके बाद स्कोर कार्ड में क्लिक करना है। स्कोर कार्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर EDP एक ट्रेनिंग का जो भी ऑप्शन है, ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग को करने के पहले आपको स्कोर आपको देख लेना है, ठीक है। EDP ट्रेनिंग मैंने नहीं लिया है, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग में लेना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्री EDP ट्रेनिंग, बिफोर बैंक सेक्शन और पोस्ट EDP, यहाँ पर आफ्टर बैंक सेक्शन, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ठीक है। आप बैंक सेक्शन के
बाद ले सकते हो या पहले आप वो ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस ट्रेनिंग आपको लेना जरूरी है। इस ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपको जो है सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट जो बटन है, सबमिट बटन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट बटन में क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ट्रेनिंग यहाँ पर मॉडिफाई अपडेट हो जो यहाँ पर हो चुका है, ट्रेनिंग अपडेट हो चुका है, ईडीपी ऑप्शन हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद स्कोर कार्ड में क्लिक करके आप यहाँ पर आपका स्कोर, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर डालना है, उसके हिसाब से आपको स्कोरिंग होगा। स्कोरिंग के हिसाब से आपको लोन मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जैसे आपका एज कितना है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके फैमिली में कितने पर्सन है, 3 है तो पहला ऑप्शन, अगर 3 से ज़्यादा है तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आप आपके ओन हाउस में रहते हो या आप रेंट पे रहते हो, इसको येस नो करना है। अगर येस करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर नो करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका जो रेसिडेंशियल लोकेशन एड्रेस है वो आप 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड, आपको जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसके आपका एक्सपीरियंस कितना है, 3 साल से अगर ज़्यादा है तो आपको 8 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। एनी अदर सोर्स इनकम इंक्लूडिंग फैमिली, आपको यहाँ पर येस करना है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप इनकम टैक्स अगर देते हो तो आपको येस करना है, एक्सेस करना है या तो उसको नो करना है, ठीक है। अब हैवीली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जैसे PMSBY, PMJJBY, APY अटल पेंशन योजना आप अगर करके रखे हो बैंक में तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करना है, आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। रिलेशनशिप ऑफ इन लेंडिंग बैंक, बैंक के साथ आपका रिलेशन कैसा है तो यहाँ पर आपको वो डालना है, उसके हिसाब से भी आपको मार्क मिलेंगे। आपको कौन सी डेट में आपका बैंक अकाउंट खुला है उस डेट को इस कैलेंडर से आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्रेडिट हिस्ट्री आपका क्या है, वेरी गुड देना है तो 5 नंबर मिलेंगे। लोकेशन एडवांटेज आपको क्या है, ये करना है, आपको मिलेंगे। स्किल सर्टिफिकेट कोर्स आप अगर किए हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स या कोई भी कोर्स, तो आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो आपको यहाँ पर स्कोरिंग मिलेंगे। तो नीचे इस बॉक्स में चेक करके सेव बटन में क्लिक कर दो तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो मेरा स्कोर है 95 स्कोर मिला है। 95 स्कोर अगर मिलते हैं तो आपको लोन मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद आपको ऊपर में फाइनल सबमिट का एक बटन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सब कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का एक बटन मिलेंगे। फाइनल सबमिट में आपको सिंपली यहाँ पर फाइनल सबमिशन में क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा कुछ पेज आएंगे, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू स्पॉन्सरिंग एजेंसी, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएंगे। ऊपर में प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करके आप आपका फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट कर लीजिए जरूर। तो यही जो फॉर्म है, प्रिंट आउट करने के बाद इस फॉर्म को आपको जो भी आपने एजेंसी सिलेक्ट किए थे, आपका जो ऑफिस यहाँ पर दिखा रहा था वही ऑफिस में जाके आपको सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको बैंक के साथ कनेक्शन बनाना है, बैंक में जाके आपको बैंक मैनेजर से बात करना है। उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको वो लोन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उसके साथ आपको जो भी प्रोसेस है लोन मिलने का, वो प्रोसेस आपको 1 से 1.5 महीने टाइम आपको लगता है। लगने के बाद आपको जो लोन वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको PMEGP लोन जो है आपको बहुत आसानी से आपको मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से 35% सब्सिडी के साथ।